नमस्कार स्टूडेंट, आज की वीडियो में आपके मैथ सब्जेक्ट का एकदम पूरा का पूरा एनालिसिस मैं बताऊंगा। और जानते हो क्यों बता रहा हूँ? अभी वक्त है सुधर जाने का, संभल जाने का, तैयारी कर लेने का। बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे टीचर्स आपको 15 दिन पहले, 1 महीना पहले इस तरह की वीडियोस बना करके देंगे, तो आप क्या करोगे? आपके पास वक्त नहीं रहेगा कि आप अपने आप को संभाल पाओ, अपने सब्जेक्ट को संभाल पाओ। वक्त तो निकल जाएगा, तो फिर उस वक्त बताने से क्या फ़ायदा? जैसे होता है ना कि शादी जब किसी का रहता है, तो शादी जब बीत जाती है तो अगले दिन उनका कोई खास कहता है, यहाँ पर टेंट लग गया रहता एक और 3 लाइटें यहाँ लगा दिया रहते तो पूरा मज़ा आ गया होता। तो जले पर नमक छिड़कने जैसा बात हो गया ना। उस व्यक्ति को शादी के 2 दिन पहले तो राय देना चाहिए, शादी बीत जाने के बाद बताया या शादी के दिन बताया, कैसे कोई व्यवस्था करेगा? तो अब मैं आता हूँ अपने मेन टॉपिक पर। हमारा मेन टॉपिक है कि हम गणित विषय में जब हम 100 नंबर का पेपर करके आते हैं तो 70 नंबर, 75 नंबर क्यों पाते हैं? कभी कभी तो होता है कि 100 नंबर का पेपर आप करके आते हो, 55 नंबर, 60 नंबर पाते हो। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? क्यों ऐसा आपके साथ होता है? क्या आप करते हो कि ऐसा होता है? आखिर वो कमी क्या है? वो कमी अगर आप जान जाओगे आज, उस बुराई को आप दूर कर पाओगे, उस कमी को आप दूर कर पाओगे, तो आप 100 में से 95 पाओगे ना। मैं मानता हूँ कि 2-4 नंबर कटता है, कोई इतना परफेक्ट नहीं है कि वो पूरा पूरा ला सके। कुछ लोग ला भी देते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ग्रामीण छात्रों की बात कर रहा हूँ। मैं जो एवरेज पढ़ाई करते हैं, घर का काम भी संभालते हैं, पूरी जिम्मेदारी रिश्तेदारी भी संभालते हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि क्यों आपका नंबर कटता है और आपको क्या करना चाहिए कि नंबर ना कटे, आप 90 से ऊपर के नंबर पा सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब कर लो, घंटी वंटी दबा दो, मेरी वीडियो देखते रहो। दूसरी बात मैं पहले ही बता देता हूँ कि भाई 95 नंबर जिसको पाने की इच्छा होगी वो मुझसे मेरे फ़ोन नंबर पर संपर्क करेगा। मेरा छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा कोर्स है, बहुत कम फीस में आपको मिल जाएगा। आप इस पर फ़ोन करिए चाहे व्हाट्सअप करिए, आपका कॉल रिसीव होगा, नहीं तो कुछ देर बाद कॉल बैक होगा, ठीक है? तो 95 नंबर पाने की इच्छा रखने वाले जरूर से फ़ोन करेंगे। लेकिन मैं 95 नंबर दिलवा पाऊँगा कि नहीं दिलवा पाऊँगा, इस बात को भी इस वीडियो के अंदर मैं साबित करूँगा। देखो बेटा, 100 नंबर का पेपर होता है आपका, ठीक है? और आप जब कोचिंग में ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं भी पढ़ाई करते हो तो जो चैप्टर चल रहा होता है कोचिंग में, उस चैप्टर को आप बड़े ही अच्छे ढंग से समझते हो, एक बार हल करते हो, जो इजी क्वेश्चन होता है उसको स्किप कर देते हो, छोड़ देते हो, बड़े बड़े सवाल करते करते आगे बढ़ते रहते हो। अगला चैप्टर आता है, अगले चैप्टर में भी आप पढ़ते हैं, कुछ 10-20% छूट जाता है, तो उसको सोचते हैं कि मैं बाद में रिवाइज करूँगा। फिर अगला चैप्टर आता है, आप दोहरा नहीं पाते हो, तेहरा नहीं पाते हो, चौथी बार पाँचवीं बार नहीं पढ़ पाते हो। जानते हो क्यों? आप स्कूल जाते हो, कोचिंग जाते हो, बाज़ार जाते हो, रिश्तेदारी देखते हो, खेतीबाड़ी देखते हो, समय का अभाव है आपके पास। दूसरी बात क्या है कि आप फिजिक्स भी लेके चलते हो, केमिस्ट्री भी लेके चलते हो, मैथ भी लेके चलते हो, बायोलॉजी भी लेके चलते हो। बायो वाले और मैथ वाले अलग अलग समझेंगे, ठीक है? तो मैं ये बता रहा हूँ कि सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन कीजिए। दोहराने के लिए आप सोचते हो कि बड़ा वक्त लगेगा, अरे भाई वक्त नहीं लगेगा। दोहराने का मतलब ये नहीं होता है कि एक चैप्टर के अंदर अगर टोटल 100 क्वेश्चन दिए हैं तो जब आप दोहराओगे तो टोटल 100 के 100 दोहराओगे। दोहराने का मतलब ये नहीं होता है। दोहराने का मतलब ये होता है कि आप 100 में से 40 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उन प्रश्नों को छोड़ दोगे जो कोचिंग में आपने सॉल्व किया था, उन प्रश्नों को कीजिए जो कोचिंग में आपने सॉल्व नहीं किया था, या कोचिंग वाले गुरुजी जिसको छोड़ दिया आपके भरोसे, सिर्फ उनको सॉल्व करो। विद्या विकास अवतार जो क्वेश्चन बैंक आते हैं इनसे सॉल्व करो। आपके NCERT की बुक के क्वेश्चन हो गए तो दूसरे बुक के क्वेश्चन को केवल शास्त्रीय निगाह से देखो, देखते देखते आपको अंदाज़ा लगेगा कि मैं किस क्वेश्चन को करने में सक्सेस हो पाऊँगा, किसको नहीं सक्सेस हो पाऊँगा, ये देख कर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब असली बात सीधे सीधे शब्दों में बताऊँगा
कि 100 में से आप 70, 65, 55, 50 क्यों पाते हो? जानते हो क्या है? आपके एग्ज़ाम टाइम में आपके दिमाग के ऊपर 5 विषय का माइंड प्रेशर रहता है, और वो प्रेशर इस बात का डिसीजन नहीं कर पाता है, वो प्रेशर की वजह से आपका ब्रेन इस बात का डिसीजन नहीं कर पाता है कि मैं अपने सब्जेक्ट को सही ढंग से कैसे तैयार करूं। और ये सत्य है कि आप तैयार नहीं कर सकते हो एग्ज़ाम के टाइम में हर सब्जेक्ट। तो आज 3 महीना मान लो बाकी है, 3 महीने में मैथ का आप 60% या 70% पढ़ चुके होंगे सिलेबस किसी कोचिंग में या ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं पर। तो जो 70% आपने पढ़ लिया है, 30% अगले 3 महीने में पढ़ोगे, आगे जो पढ़ोगे उसको छोड़ो, उसको तो पढ़ते ही पढ़ते चलो, लेकिन जो पीछे पढ़ लिए हो ना, उस पीछे पढ़े हुए को ऐसे दोहराओ, ऐसे दोहराओ, ऐसे तैयार करो, ऐसे रेडी करो, ये मान के करो कि अगले 10 दिन बाद आपका उस विषय का बोर्ड परीक्षा है। इसके पीछे जो चला गया ना समय, सिलेबस, उन सबको लेकर आओ वापस। क्यों? क्योंकि 10 दिन बाद आपका बोर्ड परीक्षा है। तो जो 70% पढ़ लिए हो, सिर्फ उसी 70% से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे, और वो क्वेश्चन एग्जैक्ट तैयार होने चाहिए। तो ऐसा करके आप अगर करते हो तो मैथ सब्जेक्ट का आप 70% तैयार किया, 70% तैयार करोगे तो 60% पाओगे ना नंबर। फिर आगे जो आप पढ़ोगे 3 महीने, 30% बचा हुआ सिलेबस, तो आगे वाले को बाद करेंगे इस भरोसे मत छोड़िए। आगे वाले को थोड़ा थोड़ा ही पढ़ोगे तो थोड़ा थोड़ा ही रिवाइज मारने में आपको 10-10, 20-20 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे। इकट्ठा सारा रिवाइज मारने में 4-5 घंटे भी एक्स्ट्रा लगेंगे, मन मस्तिष्क थक जाएगा, देख करके घबराहट जैसी हो जाएगी। बाद में डिसीजन ये लेते हैं ना, जो होगा सो देखा जाएगा। तो मेरे छात्रों, मैं आज बता रहा हूँ आपको कि आप अपने एग्जामिनेशन की हेल्थ को कैसे दुरुस्त कर सकते हो, समय रहते हुए मैंने बताया है। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना, अभी और भी बातें बता रहा हूँ। देखो, वजह आप जान लिए कि भाई बोझ हो जाता है, टाइम का अभाव है, आपके पास जिम्मेदारियों का भरमार है, इस वजह से तो जाहिर सी बात है ज़रूरी कार्यों को कैसे छोड़ा जाएगा। तो मैं इसी वजह से बता दिया हूँ कि बाबू आज तुम मान लो कि तुम 10 दिन बाद एग्ज़ाम दोगे, 70% जो पढ़ लिए हो उसे लेकर आओ, तैयार करो, बाकी बीच में पढ़ाई करते रहो, दोस्तों से मिलना, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में फालतू का टाइम स्पेंड करना, फालतू का बाज़ार जाना, फालतू का शाम सवेरे चौराहों पर घूमना, नहर पुलिया पोखरे पर घूमना, बागीचे में जाना, फालतू की बातें सुनना और करना, 10 दिन छोड़ दो ना। जानते हो क्यों? पीछे का 70% दोहराना है, तैयारी करना है, अगले 10 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है। तो अपने आधे से ज़्यादा बोझ को आप यहीं पे हल्का कर लोगे, थोड़ा बोझ बचा रहेगा, उस बोझ को साथ साथ लेके चलते रहो, तैयार करते रहो। तो ये तरीका है आपकी बेस्ट एग्जामिनेशन के हेल्थ को सुधारने का। हेल्थ सही रहेगा तो आप किसी भी चीज़ पर विजय प्राप्त कर सकोगे, अगर ये ख़राब हो गया तो गड़बड़ा जाओगे, समझे? तो अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं कैसे साबित कर सकता हूँ कि आप एग्ज़ामिनेशन में 95 नंबर से भी अधिक पा जाएंगे मैथ सब्जेक्ट में। देखो, पहली बात तो मेरा 14 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है पढ़ाने का, टीचिंग स्टाइल आप मेरी डेडी देखते ही हो यूट्यूब पर, उसी तरह की टीचिंग स्टाइल का वीडियोज मैं आपको उपलब्ध कराऊँगा। अभी टाइम है कि आप चाहो तो पूरा कोर्स 3 महीने में रिवाइज करके पढ़ सकते हो मुझसे। तो पूरे कोर्स की फ़ीस मैंने शुरुआत में 1000 रखा था, लेकिन मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि अब जो बच्चा एक साथ पूरा सिलेबस लेगा, 13 चैप्टर का मैथ का कोर्स, अब 1000 की जगह सिर्फ 800 लगेंगे दीपावली के बाद से लेकर के आपके एग्ज़ाम तक, यह रेट रहेगा। 800 रुपये में पूरा का पूरा मैथ 13 चैप्टर कंप्लीट, हर सवाल छोटा बड़ा सारा सवाल आपको मिल जाएगा। लेकिन उसमें भी आपके लिए विकल्प है, क्या है? अगर आप ये सोचते हो कि मेरे 4-5 चैप्टर तो अच्छे से तैयार हैं, मुझे 2-4 चैप्टर बढ़िया से पढ़ना है, वो समझ में नहीं आया है,
मुझे दो चार चैप्टर पढ़ना अच्छे से, तो चार चैप्टर का 400 पे कर देना, दो चैप्टर का 200 पे कर देना, सो एक चैप्टर का 100 रुपये पे कर देना। मतलब मैंने ऐसा फीस रखा है कि आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से एक चैप्टर का 100 रुपये के हिसाब से जितने चैप्टर चाहिए उतने चैप्टर आप लेके मुझसे तैयार कर सकते हो। और अगर आप कुछ भी तैयार नहीं कर पाए हो, एकदम से भात पे हाथ रख के बैठे थे या ये सोचे थे कि दीपावली के बाद से मैं पढ़ूँगा, तो एक चैप्टर का 100 रुपये तो 13 चैप्टर का 1300 हुआ, लेकिन 500 उधर से हटा दो, 1300 में से 500 हटा दो, सिर्फ 800 रुपये में पूरे 13 चैप्टर की तैयारी। पूरा मैं खुल के कहता हूँ कि इतने नंबर ज़रूर आएंगे अगर आपने मेरा कोर्स लेकर के एक बार मन से पढ़ लिया, दूसरी बार दोहरा लिया, तीसरी बार आधे मन से पढ़ लिया। तो ये नहीं कहूँगा कि एक ही बार पढ़ने से आ जाएगा, मुझे अपना कोर्स बेच करके आपकी अपनी बदनामी नहीं लेना है, मुझे आपको अपना कोर्स दे करके आपसे आपका बेस्ट मार्क पूछना है, आपसे मेरा कोर्स की तारीफ सुनना है, बदनामी नहीं। समझे? आप बेहतर पढ़ोगे, बेहतर नंबर पाओगे, ज़रूर कहोगे गुरुजी आपका बेस्ट कोर्स था। तो ऐसे ही छात्रों को सिर्फ कोर्स मिलेगा जो मेहनती हों, लगन से पढ़ने वाले हों, जिनको एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर पाना है, भविष्य में बहुत कुछ करना है, ठीक है। आज वो सिर्फ पास होना चाहते हैं, 50, 60, 70 नंबर पाना चाहते हैं, उनके लिए 200 रुपये का मेरे पास कोर्स है, पूरा 13 चैप्टर से, हर चैप्टर से 2-2, 4-4, 6-6 सवाल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। ऐसा कोर्स अलग से बनाए हैं जो मात्र 95 वीडियोज आपको मैं दूंगा, उसमें 95 वीडियोज 200 रुपये चार्ज में। ये किसके लिए है? उसके लिए जो सिर्फ पास होना चाहता है, जो सिर्फ 50, 60, 70 नंबर चाहता है, ऐसी चाहत वालों के लिए इतने रुपए में इतनी वीडियोस दूंगा, पूरे बुक का निचोड़। लेकिन जो बेहतर चाहते हैं, यहाँ पहुँचना चाहते हैं, उनके लिए मैंने बता दिया है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।